तो चलो अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क की ऊंचाइयाँ, आओ। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी के लिमिटलेस दुनिया में। तो जैसे मैंने बताया, अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क की ऊंचाइयाँ छूने, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो वहाँ पे अगर अलाउड होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से हमारे होटल से करीबन 900 मीटर ही है बस, तो 1 किलोमीटर ही समझ लो वॉकिंग डिस्टेंस। और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये है तीसरा दिन न्यूयॉर्क में। जो व्यू आप देख रहे हो ये है 86 फ्लोर से। अब इसके बाद हम जाएंगे 102, 102वें फ्लोर पे। अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है ये, जो हर किसी को करना चाहिए। और अलग ही फीलिंग है, जैसे आप देखते हो ना पूरी स्काई लाइन, तो ऐसा लगता है कि बस इससे ऊपर नहीं जा सकते कहीं भी आप उससे ऊपर फिर ऊपर ही जाओगे। तो बहुत ही, मतलब बस दिल थम गया, क्योंकि ऊंचाई से थोड़ा एंग्जाइटी मुझे होती है, पहले नहीं होती थी, अब शुरू हुई है थोड़े टाइम से, कुछ सालों से पहले मिलना को नहीं होती, पर यहाँ पे यार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। अगर आपको हाइट फोबिया है ना तो भी होगा नहीं, कुछ डर नहीं लगेगा, क्योंकि रेलिंग्स भी है और एलिवेटर में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर का दिखता है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी सॉलिड एलिवेटर है, कुछ दिखता नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आ गया। अब जा रहे हैं हम 102nd फ्लोर पर। जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स देखने के लिए, और टाइम हो रहा है 10:45 रात के। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और आज ही हमारी बस है, तो यहाँ से अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे सबवे और एक होटल जाएंगे, और फिर वहाँ से बस की जर्नी है 8 घंटे की, तो कनाडा का बॉर्डर ऑलमोस्ट टच करेंगे ऑफकोर्स। तो बस में ही सोएंगे अब, और बहुत ही हमने प्लानिंग ऐसे करी हुई है कि एक दिन भी ज़ाहिर ना जाए
ठीक है, तो इसे थके हुए हैं, बस में अच्छी खासी नींद आ जाए तो अच्छा है, और अभी भी हमारा जेट लैग तो फिर भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो इसलिए, और फिर हमारी परसों एलए की फ़्लाइट है, तो चलो फिर चलते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और ट्रेन आने ही वाली होगी, और फिर आगे बढ़ाते हैं व्लॉग को। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो सारा जो ग्रुप है वो वही बस के लिए खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, तो बस अब हम बस का वेट करेंगे थोड़ी देर, और फिर लगेज वगैरह अंदर जाएगा और फिर होगी जर्नी शुरू। तो जर्नी दिखाते हैं आपको बस के अंदर बैठ के, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो अभी हम होटल के अंदर वेट कर रहे हैं, और अगर आप न्यूयॉर्क में हो और नायगरा फॉल्स के लिए जाना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन यही होगी, यहाँ से पिकअप होता है, और ये है मैनहट्टन होटल जो 51 और 52nd स्ट्रीट के बीच में पड़ता है। तो मैनहट्टन होटल के नाम से दो तीन होटल हैं जो हमारे सराउंडिंग में थे, तो इन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन बताई थी कि 51 और 52nd स्ट्रीट के बीच में ही ये वाला होटल है, उसमें आना है और यहाँ से पिकअप है। अभी लोकेशन हो सकता है चेंज हो जाए कभी फ्यूचर में तो पता नहीं, पर फिलहाल ये लोकेशन है अभी, तो बस हम वेट कर रहे हैं, तो जैसी बस आती है फिर निकलते हैं। बस में बैठ गए हैं और बस अब नींद आ रही है, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह नायगरा फॉल्स के टाइम, चलो बाय।